नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। मई 2023 का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने मंगल, शुक्र और सूर्य देव का गोचर होना है। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण भी लगना है। ग्रहों के इस गोचर की शुरुआत आज 2 मई से हो रही है। आज शुक्र ग्रह का गोचर होने जा रहा है। आज शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद 5 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा। फिर 10 मई को मंगल ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। अंत में ग्रहों के राजी सूर्यदेव 15 मई 2023 को मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। इन प्रमुख ग्रहों के गोचर की वजह से कुछ राशियों को लाभ होने जा रहा है, तो 5 राशियां ऐसी भी हैं जिनमें बड़े नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 राशियां हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मई 2023 में इस राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। पहली है तुला राशि। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मई 2023 में इस राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आमदनी के मुकाबले उनके खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होती है, वरना ये संकट में फंस सकते हैं। उनके लिए कार्यस्थल पर भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दूसरी है वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों को मई में घरेलू कलह का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच कड़वाहट बढ़ेगी, जिसका बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। करियर के क्षेत्र में प्रतिकूल बदलाव लेने के लिए मिल सकते हैं। आर्थिक हानि की भी आशंका रहेगी। इस मुश्किल वक्त में शांत रहें और अध्यात्म पर ध्यान दें। मीन राशि, यह महीना आपके लिए कई संकट लेकर आएगा। आपको और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को कोई नई बीमारी घेर सकती है। सड़क पर चलते वक्त दुर्घटना का खतरा रहेगा। प्रेम प्रसंग में रुकावट आएगी। अपने फालतू खर्चों पर नियंत्रण करें और सेहत का ध्यान रखें। पड़ोसियों से संबंध सामान्य रखें। कर्क राशि, यह महीना कर्क राशि वालों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से वाद विवाद हो सकती है, जिसका आपके करियर पर प्रतिकूल असर हो सकता है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। पार्टनरशिप में काम करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वृषभ राशि, इस महीने वृषभ राशि के जातकों के बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। आमदनी के मुकाबले खर्च बढ़ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई की ओर चिंतित हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अनावश्यक कर्ज लेने से बचे। मांगलिक कार्यों में शामिल हो और अध्यात्म का सहारा लें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।